ओके गुड आफ्टरनून। आज का अपना जो टॉपिक है वो है इंजन के बारे में। कल अपने जो टॉपिक लिया था वो टॉपिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के ऊपर लिया था। आउटसाइड माइक्रोमीटर में क्या क्या उसको पार्ट लगे हैं, उसका रीडिंग कैसा लिया जाता है, इस सब के बारे में मैंने आपको समझाया था। हो सकता है वो आपके अच्छे तरह से समझ में आया होगा। आज का जो टॉपिक है अपना ये है इंजन। क्या है इंजन? अभी गाड़ी चलाने के लिए अपने को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? और ये ऊर्जा कहाँ निर्माण होती है? इंजन निर्माण होती है। ये जो यूनिट है इंजन, एक क्या है? ऊर्जा निर्माण करने का एक यूनिट है। ये यूनिट के माध्यम से हाइड्रोकार्बन है और फ्यूल जलने से हीट एनर्जी का रूपांतर, कन्वर्शन, जिसको अपन कन्वर्शन बोलेंगे, वो किसमें होता है? मैकेनिकल एनर्जी में। हीट एनर्जी का कन्वर्शन मैकेनिकल एनर्जी में होता है। अभी हीट एनर्जी क्या है और मैकेनिकल एनर्जी क्या है, इसके बारे में भी आपको मालूमात होना चाहिए। तो पिस्टन के ऊपर जैसा आपने जो इंटरनल कंबक्शन इंजन है उसके बारे में अगर अपन बोले तो पिस्टन के ऊपर बोलेंगे। आपके पास बहुत सारे इंजन होते हैं उसमें ले जाएंगे अपन। तो जो कंबक्शन चैम्बर है उसमें जो ऊर्जा निर्माण होती है उसको बोलते हैं हीट एनर्जी। क्या बोलते हैं? और ये जो हीट एनर्जी है ये हीट एनर्जी का कन्वर्शन मैकेनिकल एनर्जी में करने का एक यंत्र, इसका नाम होता है इंजन, उसको बोलते हैं इंजन। क्या बोला मैंने? इंजन। एनर्जी का कन्वर्शन मैकेनिकल एनर्जी में करना करने वाला जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं इंजन। आप लोग साइकिल चलाते, सब लोग साइकिल चलाते, ऐसा अपने क्लास में कोई लड़का नहीं होगा कि वो साइकिल नहीं चला पाता। तो साइकिल चलाते समय जो आप लोग पैडल मारते हो, पैडल मारने से यानी ये क्या होगी, पैडल मारने तक हीट एनर्जी होगी, और जो पैडल से पिछले पहिए तक जाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? मैकेनिकल एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। ये जो एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी, इसको अपने को पिछले पहिए तक या तो आगे वाले पहिए तक, रियर व्हील और फ्रंट व्हील यहाँ तक पहुंचाना है। तो स्टेप बाय स्टेप ये एनर्जी वहां तक कैसी पहुंचती है इसके बारे में भी अपने को मालूम होना। हीट एनर्जी का कन्वर्शन मैकेनिकल एनर्जी में हो गया है। जो पिस्टन की खड़ी गति होती है, पिस्टन कैसा चलता है? खड़ा चलता है। क्रैंकशाफ्ट कैसा चलता है? आड़ा चलता है। ये दोनों का कन्वर्शन चक्राकार गति में करने वाला कौन है वहां पे? फ्लाईव्हील। और फ्लाईव्हील के बाद में जो जो स्टेप आती है जैसा कि क्लच, प्रेशर प्लेट, गियर बॉक्स, यूनिवर्सल जॉइंट, प्रोपेलर शॉक, उसके बाद में फिर यूनिवर्सल जॉइंट, टेल पिनियन, डिफरेंशियल, रियर एक्सल और रियर व्हील। तो जब ये मैकेनिकल एनर्जी रियर व्हील को मिलती है तब तो गाड़ी आगे भागती है। जब तक गाड़ी नहीं है तब तक भागती नहीं। ऐसे में इसके दो प्रकार पड़ते हैं, इसके इंजन के कितने प्रकार पड़ेंगे? दो। नंबर एक एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन, और दूसरा प्रकार जो है इंटरनल कंबक्शन इंजन।
कितने प्रकार पड़े? दो प्रकार, एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन और इंटरनल कंबक्शन। ये एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन के फिर से दो प्रकार पड़े। स्टीम इंजन और टर्बाइन इंजन। आगे में बात क्या नहीं होगा, ये दोनों का पहले देख लेते हैं। ये दोनों का क्या देखने का आपने को? एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन यानी क्या होता है? एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन यानी क्या होता है? तो एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन यानी जो ऊर्जा इंजन के बाहर तैयार की जाती, जो ऊर्जा इंजन के बाहर तैयार की जाती और बाद में वो ऊर्जा को किसी के द्वारा पिस्टन हेड पे छोड़ी जाती है, यानी ऊर्जा कहाँ बाहर हुई है? इंजन के बाहर, और वो बाद में किसी द्वारा एक क्या बोलेंगे उसको, पाइप द्वारा बोलो या तो और कोई चीज द्वारा पिस्टन हेड के ऊपर छोड़ी जाती है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन। यानी ऊर्जा बाहर निर्माण करना और वो ऊर्जा को पिस्टन हेड के ऊपर लाके छोड़ना और इंजन स्टार्ट होना, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन। तो इसके कितने प्रकार पड़े हैं? दो प्रकार। पहला प्रकार है स्टीम इंजन। स्टीम इंजन का मतलब क्या है? भाप पे चलने वाला इंजन। स्टीम इंजन का मतलब क्या होता है? भाप पे चलने वाला इंजन। अभी ये जो भाप पे चलने वाला इंजन है, ईस्वी सन 1500 में, कितना बोला मैंने? ईस्वी सन 1500। अलग अलग यूट्यूब वाले अलग अलग बताते हैं, उसमें से मैं कुछ अंश आपको बता रहा हूँ कि ईस्वी सन 1500 में इसका जो प्रयोग है कि वो करना शुरू किया। तो बहुत सारे वैज्ञानिक आ गए यहाँ पे प्रयोग में। तो उसका दूसरा नंबर का जो वैज्ञानिक था उसका नाम था थॉमस न्यूकानन। क्या नाम था? थॉमस न्यूकानन। तो 1500 को लेके 1712 में इस वैज्ञानिक को थोड़ी बार उसने की प्रगति मिली, पूरी प्रगति मिली नहीं। उन्होंने इंजन बनाना शुरू किया, इंजन तो पटरी पे आया भी लेकिन जितना चलना चाहिए था उतना वो इंजन चला नहीं। इसके बाद में दो चार शास्त्रज्ञ वैज्ञानिक और हो गए, उनको भी उतनी सफलता उसके अंदर नहीं मिली। बाद में 1769 के 1775 के दरमियान जेम्स वाट, क्या नाम बोला मैंने? जेम्स वाट। ये वैज्ञानिक ने भाप पे चलने वाला इंजन का आविष्कार किया और उसी के नाम से उसको जाना जाता है, भाप पे चलने वाला इंजन जो बोलते हैं। इसका आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने किया। इसको भी पहले सफलता नहीं मिली, बहुत स्ट्रगल किया उसने। स्ट्रगल करते करते 1801 के 1804 में इन्होंने वो इंजन रनिंग किया और जेम्स वाट के नाम से आज भी जिसको अपन कोयले का इंजन बोलते हैं, भाप पर चलने वाला इंजन। तो आप लोगों ने भाप पर चलने वाला इंजन तो देखा नहीं होगा आज तक। हो सकता है आपने कोई पिक्चर में सीन देखा होगा कोयले पर पे चलने वाली गाड़ी, कौन सी गाड़ी? कोयले पे। तो कोयला वहां पे जलाया जाता है, उसके ऊपर एक कंटेनर रखा जाता है और उसके अंदर क्या रहता? पानी रहता है। नीचे से आग जलती है, ऊपर पानी की क्या होती है? भाप होती है, और वो जो भाप होगी वो पिस्टन के ऊपर छोड़ी जाती है। ऐसे प्रकार का जो भाप का इंजन है वो किसने किया? जेम्स वाट ने। तब 1801 से 1804 में। इसके बाद में दूसरा जो इंजन है ये है टर्बाइन इंजन। आजकल जो जेट इंजन है ये सब टर्बाइन इंजन, उनसे जेट इंजन जो है वो टर्बाइन इंजन है। अभी टर्बाइन इंजन यानी क्या होता है? ये भी वैसा जो एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन है, इसका भी कंबक्शन चैम्बर जो है वो अलग होता है और कंबक्शन चैम्बर से वहां पे
बाहर से हवा खींची जाती है, वहां पे हवा एवं पेट्रोल इसका मिक्सचर तैयार किया जाता है कंबशन चैम्बर के अंदर, और वहां पे स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्क गिरा के उसको जलाया जाता है। कंबशन चैम्बर में जलाया गया, कंबशन चैम्बर में जलाने के बाद जो ऊर्जा निर्मित हुई वो ऊर्जा जिसके ऊपर छोड़ा उसने टर्बाइन के ऊपर छोड़ा, वो ऊर्जा जिसके ऊपर छोड़ा टर्बाइन के ऊपर, और टर्बाइन घूमने लगा। जब टर्बाइन घूमने लगेगा तो इंजन तो उन्नत है, तो इस प्रकार के एक स्टीम वाला इंजन और दूसरा टर्बाइन वाला इंजन, ये दोनों इंजन कौन से एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन में होते हैं। आजकल बहुत कम है, यानी भाप पर चलने वाली जो गाड़ी है वो अभी कम हो गई है। फिर उसके बाद में तो दूसरा इंजन कौन सा है, इंटरनल कंबक्शन इंजन। जो आज आप मोटर मैकेनिक में बोलो या डीजल मैकेनिक में बैठे हो, सब लोग जो पढ़ने आए हैं अपन सब क्या पढ़ने आए, इंटरनल कंबक्शन इंजन पढ़ गए। इंटरनल कंबक्शन इंजन के भी दो प्रकार है, नंबर एक जिसको आप पेट्रोल इंजन के नाम से जानते हैं, और दूसरा डीजल। ये पेट्रोल इंजन को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन, लिख के देता हूं। स्पार्क इग्निशन इंजन, और दूसरी को क्या बोलते हैं डीजल इंजन को, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, क्या बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन। क्या बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन। अब इस स्पार्क इग्निशन इंजन यानी क्या होता है ये भी अगर आपको मालूम होना, तो इंटरनल कंबक्शन इंजन की सफलता सर्वप्रथम डॉक्टर एने याटो, डॉक्टर एने याटो ये वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया। इंटरनल कंबक्शन इंजन का आविष्कार किसने किया, डॉक्टर ये वैज्ञानिक ने किया, कौन से साल में किया 1876 साल में। तो उसने क्या तत्व माना वहां पे, उसने बोला कि जहां पे आदमी जब इंजन बनाएगा, इंजन बनाते समय जहां पे अपने को हवा और पेट्रोल इसका जो मिक्सचर है जहां भरना है वो कैसी होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए, वो कैसी होना चाहिए बड़ी होना चाहिए। और बड़ी रहने के बाद बड़ी का मतलब क्या है कि ज्यादा ज्यादा मिश्रण उसके अंदर आने को होना। जब उसको पिस्टन के द्वारा दबाया जाएगा, कंप्रेशन बढ़ाया जाएगा, जब कंप्रेशन बढ़ाया जाएगा बाद में उसके ऊपर स्पार्क गिराया जाएगा स्पार्क प्लग द्वारा, तो वो जो प्रसारित होगा वो ज्यादा से ज्यादा प्रसारित होगा और उसकी पावर अपने को ज्यादा मिलेगी, ये तत्व उसने वहां पे रखा। और उस तत्व के आधार पर आज भी इंटरनल कंबक्शन इंजन सब मार्केट में उपलब्ध है। ऐसा इसका किसका, इंटरनल कंबक्शन इंजन का। जब स्पार्क इग्निशन इंजन अपन बोलते हैं, जिसको आप पेट्रोल इंजन बोलते हैं, तो पेट्रोल इंजन में मुख्य मुख्य क्या चीजें होती है, नंबर एक कार्बोरेटर, नंबर दो स्पार्क प्लग, नंबर तीन हाई टेंशन वायर, और नंबर चार डिस्ट्रीब्यूटर। ये जो कार्बोरेटर होता है
कार्बोरेटर के अंदर हवा व फ्यूल इसका मिक्सचर तैयार होके इनलेट वाल्व ओपन होने के बाद वो मिक्सचर सिलेंडर में आता है यानी पिस्टन हेड के ऊपर आता है। कौन सा भाग होता है उस समय? इनलेट वाल्व। बाद में उसको क्या होता है? पिस्टन द्वारा दबाया जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, आएगा समझ में, उसका कंप्रेशन बढ़ाया जाता है। नंबर थ्री के स्ट्रोक में जिसको अपन पावर स्ट्रोक बोलते हैं, पावर स्ट्रोक के अंदर स्पार्क प्लग द्वारा वापस स्पार्क गिरा के उसको आग लगा दी जाए। आग लगाने के बाद क्या होता है? वहां पे धड़ाम आवाज होता है और आवाज के कारण जो पिस्टन है वो पिस्टन ऊपर से नीचे आता है और इंजिन स्टार्ट होता है। ये हो गया पूरा स्पार्क इग्निशन इंजिन। दूसरा इंजिन आपके पास कौन सा है? डीजल इंजिन, जिसको अपन कंप्रेशन इग्निशन इंजिन बोल रहे हैं। ये जो इंजिन है, जैसा पहले इंजिन में पेट्रोल इंजिन में हवा व पेट्रोल इसका मिश्रण लिया था, यहाँ पे हवा व पेट्रोल इसका मिश्रण लिया जाएगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या ली जाएगी? हवा ली जाएगी। जैसा पहले स्ट्रोक में होगा पेट्रोल इंजन में हुआ था वैसा कंप्रेशन सॉरी डीजल इंजन में भी होगा। वहां पे पहले स्ट्रोक में क्या किया था? सक्सेस स्ट्रोक में हवा और पेट्रोल इसका मिश्रण लिया था, यहाँ पे क्या करने वाले हैं? सिर्फ हवा लेंगे, हवा अंदर आएगी पिस्टन द्वारा उसको भी दबाई जाएगी, दबाने के बाद उसका भी कंप्रेशन बढ़ाया जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, उसके ऊपर इंजेक्टर द्वारा स्प्रे किया जाएगा और वहां पे उसको जलाया जाएगा स्प्रे करने का। अभी आपने बारीक स्प्रे देखा नहीं, कभी कभी मैं बीच बीच में आपको एग्जांपल देते रहता, स्टोव आपने सबने देखा है, कौन सा स्टोव? वाती वाला नहीं, पंप वाला, सबने देखा है। अगर समझो वो पंप वाले स्टोव को जिसको बर्नर रहता है उसकी चाबी आप बंद करो, हवा भरो, हवा भरने के बाद वो जो बर्नर का नोजल होता है ये नोजल में से फ्यूल ऊपर आता है, क्या ऊपर आता है? वो किस अवस्था में होता है? धार के अवस्था में होता है। धार दिखती ना आपको, यानी बारीक कण दिखते हैं, क्या बारीक कण दिखते नहीं धार दिखते। बाद में आप क्या करते हो? उसको माचिस लगाते हो, बर्नर को गर्म आने देते हो जब तक हवा छूट जाती, बर्नर जब गर्म आया, बर्नर गर्म आने के बाद में आप फिर से वहां पे हवा भरते हो, हवा भरने के बाद जो रॉकेट होता है टैंक में वो टैंक का रॉकेट ऊपर आता है, वो जब ऊपर आता है पहले धार के समान आया था, अभी कैसा है देखा है क्या आपने? कैसा है? एकदम बारीक, कैसा आता? बारीक। बाद में वहां पे माचिस लगाते आप, माचिस लगाने के बाद आपको वो धार भी नहीं दिखती, कुछ भी नहीं दिखती, इतने बारीक कण के द्वारा इंजेक्टर क्या करता है? ये जो गर्म हवा होती है ये गर्म हवा के ऊपर वापस स्प्रे करता है। आपने शब्द स्प्रे देखा है, स्प्रे हमेशा कैसा रहता है? बारीक रहता है। शब्द ने देखा ऐसा कोई नहीं होगा आपके क्लास में क्या उसने स्प्रे देखा नहीं होगा। किसी चीज के ऊपर धार मारो तो वो बुझ जाएगा, स्प्रे मारो तो जल के उठेगा, होता है ना ऐसा? तो इस प्रकार का जो इंजन है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, इसके अंदर कौन से बेसिक पार्ट बता रहा हूं मैं। फ्यूल पंप रहता है, हाई प्रेशर पाइपलाइन रहती है और उसके बाद में इंजेक्टर होती है। तो ये कंप्रेशन इग्निशन इंजन और इसके पहले का स्पार्क इग्निशन इंजन, जब अपन ने इंजन से स्टार्ट किया इसके बाद में और इसके कुछ पार्ट है टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक। अभी तक टू स्ट्रोक गाड़ी रहेंगी बहुत कम है, टू स्ट्रोक गाड़ी आपने देखा होगा पहली यामा 100 आरएक्स 100 यामा आरएक्स 100 ये गाड़ी अगर आपने देखा होगा वो टू स्ट्रोक थी। अभी जितनी भी मार्केट में ज्यादा ज्यादा गाड़ी है वो कैसी है? फोर स्ट्रोक गाड़ी। तो टू स्ट्रोक क्या है, फोर स्ट्रोक क्या है, ये अपन आगे के जो अपना क्लास होगा वो क्लास में अपन उसके बारे में पढ़ेंगे।